काफी कम समय में अकूत संपत्ति के मालिक बने मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के घर पर इनकम टैक्स की एक साथ छापेमारी चल रही है। इस बाबत भागलपुर जिले के उर्दू बाजार स्थित रकाबगंज के पास मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भागलपुर के रेकाबगंज मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के साथ साथ पूर्णिया स्थित आवास समेत पटना में भी यह छापेमारी एक साथ चल रही है। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के कई अन्य ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की टीम, कई अधिकारी और कर्मी अंदर मौजूद रहे। इनकम टैक्स की टीम ने कई तरह के दस्तावेजों की जांच की, हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज करते रहे। मिली जानकारी के मुताबिक 8 सदस्यों की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ पटना और झारखंड नंबर की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां छापेमारी की गई। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज करते रहे। हम आपको बता दें कि मिलिया के संस्थापक असद इमाम की शिक्षाविद के तौर पर पहचान है। उनका तौर पर भी नामचीन चेहरा काफी प्रचलित है। असद इमाम पूर्णिया के विधान परिषद से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमने नीतीश कुमार को ये पैदा किए। नीतीश कुमार को कौन चिंता था, कौन जानता है? ये ललन सिंह को कौन जानता था? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने डॉक्टर रतन मंडल को फुलझड़ी सुंघाया है, इसी कारण वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये बातें जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कही। दरअसल अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ दिए गए बयान के बाद भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रतन मंडल ने कहा था कि राजनीति में नीतीश कुमार को उन्होंने पैदा किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर जातिगत गणना करने पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए जातिगत गणना का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नीतीश कुमार को यह पैदा किए। नीतीश कुमार को कौन चिंता था, कौन जानता है? ये ललन सिंह को कौन जानता था? ये नीतीश कुमार समुचा अति पिछड़ा हर जाति में 4 लीडर पैदा कर दिया। आप भागलपुर में देखिए, मेरे से बड़ा लीडर कौन हो सकता है? मेरे से हम जितना ये MLA MP सब मेरा चेला चट्टी है, साले सबको हमने टिकट दिया है। आज जब जरूरत पड़ता है गोपाल मंडल खड़ा करता, कभी अजय मंडल को खड़ा करता, हमको सेंड कर, हमसे बेसी मजबूत था। हमने नीतीश कुमार को यह पैदा किए। अब इस मुद्दे पर जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने बयान दिया है। शिशुपाल भारती ने कहा कि रतन मंडल ने जो कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया और आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनकी जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक हस्ती है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बदौलत है और नीतीश कुमार ने पूरे भारत में उन जैसे सैकड़ों नेताओं को राजनीति में लाया है। रतन मंडल कुछ दिन पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से मिले थे, वहीं कुछ खिचड़ी पकाई गई है, जिसके बाद डॉक्टर रतन मंडल इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और कुछ क्या कह रहे हैं, शिशुपाल भारती आप खुद सुनिए। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल साहब का जो बयान कल आया है बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उनका बयान आया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह सांसद मुंगेर लोकसभा के ललन बाबू के बारे में, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये इनको आगाह भी करता हूं कि इस तरह का बयान राष्ट्रीय नेता के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए और पुनः कभी नहीं दोहराना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने बयान में कहा है राजनीति में पैदा करने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार नहीं देश में लाखों ऐसा कार्यकर्ता और नेता पैदा हुए हैं उनके मार्गदर्शन में काम करके, जिसमें से एक ये भी हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पूर्व के दिनों को याद करे। यही जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश के प्रकोष्ठ के उनको अति पिछड़ा का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे बिहार में राजनीति करने का, संगठन में काम करने का, घूम घूम के जनता से मिलने जुलने का मौका दिया गया। साथ ही साथ
पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में उनका मनोनयन बिहार सरकार के माध्यम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश और निर्देश से इनका आयोग में मनोनयन हुआ और पूरे 3 वर्षों तक इन्होंने उस आयोग का लाभ लिया, सदुपयोग किया और निश्चित रूप से आयोग के जो समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके संदर्भ में 3 वर्षों में ना कोई काम किया, ना कोई योजना बनाया और ना ही किसी प्रकार का कल्याणकारी योजनाओं के लिए अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया। आज ये बीच के दिनों में पार्टी अपना गठन किए, वंचित समाज पार्टी, उसके पूर्व चापाकल छाप से कभी चुनाव लड़े, कभी भी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, संगठन के साथ खड़ा नहीं रहे। उसके बावजूद भी माननीय नेता, हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार इनको बार बार मौका दिया काम करने का और सम्मान भी दिया। अब अभी का जो उनका कल का बयान है, इस बयान के बारे में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ दिल्ली में इनका तस्वीर मीडिया के माध्यम से मैंने देखा हूं, बुके गुलदस्ता देने लेने का तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है, उसी फूकने का परिणाम है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव 2024 का भागलपुर में है, जिसमें हमारे माननीय सांसद अति पिछड़ा का बेटा लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी अभी हैं और इसके पूर्व में भी अति पिछड़ा का ही बेटा गंगोत्री समाज का ही सांसद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बूलो मंडल जी और शैलेश कुमार जी रहे हैं। तो लगातार 10 वर्षों से यहाँ जो नेतृत्व अति पिछड़ा का बेटा गंगौत समाज का बेटा बूलो मंडल जी अजय मंडल जी ने किया है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के पेट में खलबली मच गई है, पेट में मरोड़ दे रहा है और वो हतप्रद हैं, हताश हैं और वो चिंतित हैं कि गंगोत्री समाज के बेटे के खिलाफ में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भागलपुर लोकसभा में, अति पिछड़ा समाज के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो बेचैन है। और ये फिरका परस्त ताकत भाजपा के समर्थित सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी भागलपुर में प्रत्याशी ढूंढने में कहीं न कहीं अति पिछड़ा का बेटा, गंगोत समाज का बेटा, विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल साहब को कान में फूके हैं, कुछ न कुछ उनको फुलझड़ी दिखाए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एक फूल दो माली की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक कहावत में एक फूल पर दो माली मेहरबान रहते हैं, लेकिन यह जो मामला है इसके ठीक बिल्कुल विपरीत है। एक 2 बच्चे की माँ ना तो घर की रही और ना ही घाट की। पीड़ित महिला अब ना पति के पास रह पा रही है और ना ही अपने प्रेमी के पास, क्योंकि पति ने रखने से इनकार कर दिया और प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। प्रेमी कई दिनों से फरार है,
लाचार दो बच्चे की मां अब न्याय की गुहार लगाने एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिला ने कहा कि वरिया पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची हूं। हमें प्रशासन पर पूर्ण रूपेण भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। वहीं पीड़िता ने कहा कि मेरी पहली शादी 2014 में हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों से हम लोगों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चलने लगे। हालांकि मेरे दो बच्चे भी हैं, 3 साल पहले अपने प्रेमी से आंखें चार हुई। मैं अपने पति को छोड़कर बच्चे के साथ किराए के मकान में उसके साथ कहलगांव में रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझे छोड़कर फरार हो गया है और दूसरी ओर पति भी मुझे रखने से इनकार कर दिया है। अब मैं कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम शादीशुदा हैं, हमारे दो बच्चे हैं, दिवाकर कुमार मंडल पोदवार के रहने वाले हैं। हमें वो 3-4 साल से अपने प्यार के झांसे में रखे, शादी करने का प्रयास दे करके हमें कहलगांव में एक रूम रेंट पे लेकर के रखे। वहाँ पे रूम रेंट रहने के बाद वो हमें वहाँ छोड़ करके लापरवाह फरार हैं। अब हम एसएसपी साहब के पास आए हुए हैं, पति रखने के लिए तैयार नहीं है। आज कहाँ आए? आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं। शादी कब हुई थी? शादी 2014 में। दो बच्चे हैं। किनसे शादी हुई थी? 2014 अजय कुमार मंडल। कहाँ? कोतवार के रहने वाले हैं। अभी जो आप को ले गया वो कहाँ का रहने वाला है? वो कहाँ का? वो भी उसी जगह, वही कोतवार के ही रहने वाले हैं। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? आप हमें तो पति भी रखने के लिए राजी नहीं है। हम दिवाकर मंडल को रूम दिला करके छोड़ के वो भी फरार है। क्या चाहती है? अब हम क्या करें, ये एसएसपी साहब मेरा सलाह करें। एसएसपी साहब के पास जो मिलने आए हैं, क्या सोच के आई हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। किस चीज का? दिवाकर कुमार से न्याय तो वो हमें अपने झांसे में फंसा करके भी वो फरार, अब हम कहाँ जाएं? तरफ जहां नीतीश सरकार पूरे बिहार को सुशासन की सरकार बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ताजा मामला बांका जिला अंतर्गत चांदन थाना का है, जहां के पुलिस अवनिरीक्षक को 20,000 रुपये घूस लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। परिवादी टुनटुन यादव ने चांदन थाना में पुलिस अवनिरीक्षक मनोज कुमार पासवान के द्वारा 30,000 रुपये मांग करने के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। वहीं निगरानी टीम ने इस कांड पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की और तथ्य सही पाया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के गौतम कृष्ण ने बताया कि चांदन थाना के पुलिस अवनिरीक्षक मनोज कुमार पासवान को निगरानी टीम ने 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए भागलपुर न्यायालय निगरानी कोर्ट लाया गया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। परिवादी चंदन यादव है, उनके द्वारा चंदन थाना में टुनटुन यादव है उनके द्वारा चंदन थाना में कांड संख्या 37/2023 दायर की गई थी, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इनके द्वारा और अभियुक्त के द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में परिवादी ने निगरानी थाना में शिकायत की जांच करवाई गई। जांच में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद कांड वहां दर्ज किया गया निगरानी थाना में और कल दिनांक 10/2023 को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों में गिरफ्तार। किस पद पे हैं सर ये? पुलिस अवर निरीक्षक हैं, इनका नाम मनोज कुमार पासवान है। मैं गौतम कृष्ण, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। भागलपुर के पुरैनी में उत्क्रमित विद्यालय है, जहां बच्चों को बैठने तक के लिए बेंच डेस्क तक नहीं है। 3 साल पहले ये मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय बना, साल भर पहले इसे प्लस टू का भी दर्जा मिल गया। शिक्षकों की कमी कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सूबे में डेंगू के कहर से लोग कराह रहे हैं और भागलपुर डेंजर जोन में है। सभी जगह साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इससे बेखबर है। विद्यालय परिसर में गंदगी फैली हुई है, पानी का जल जमाव है, इस पानी में मच्छर का लार्वा पनप रहा है। शिक्षक या बच्चे कोई भी डेंगू का शिकार हो सकते हैं। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाचार्य महेश कुमार और अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुखिया को सूचित कर दिया गया है, मगर ब्लीचिंग नहीं मिला। स्कूल में एमडीएम भोजन खाने के बाद बच्चों से प्लेट धुलवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य को पानी पिलाने के लिए बच्चे बाल्टी में पानी भर कर ले जा रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कहते हैं कि प्लस टू बनने के बाद एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यक्ष हैं, हमारी वाइफ अध्यक्ष है। कौन चुनाव करता है? किसके चुनाव से आप लोग अध्यक्ष बनते हैं?
किस लिए बनाया जाता है? जनता के चुनाव से हम लोग अध्यक्ष बने। बनाया जाता है? देख रेख स्कूल में बच्चे का निगरानी बढ़िया से हो, खाना अच्छे से हो, और जो स्कूल में दिक्कत है उसको पूरा किया जाए। निगरानी करते हैं जी, सारा व्यवस्था सही है जी। थर्ड लोग का सहयोग आपको मिलता है जी? थर्ड लोग का सहयोग आपको मिलता है जी? सर लोग का भी सहयोग लेते हैं, हम लोग भी सर को सहयोग करते हैं। जी जी बढ़िया मिलता है, खाना भी अच्छा मिलता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। बच्चा लोग तो बोल रहा है कि अपने को जैसा ना प्लेयर, देखिए कोई कोई बच्चा होता है ऐसा कि अब जल्दीबाजी में हम जल्दी लेंगे तो बच्चा लोग उठा के अपने से प्लेयर धो लिया, लेकिन ऐसा तो ना है। बावर्ची है मेरे यहाँ, छः बावर्ची है, खाना के समय में दो बावर्ची प्लेट धो रही है तो चार बावर्ची खाना लगा रही है। अब होता है ना जैसे 50 बच्चा आएगा भाई खा रहा, तो कोई बच्चा को लगता पहले हम ही खा लें तो प्लेट उठा के धोने लगा। मेरा नाम मोहम्मद नौसाद। विद्यालय में बच्चों की संख्या अच्छी रहती है, उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, और ख़ास करके यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। अभिभावक का भी बहुत अच्छा कि हाई स्कूल जो है 2019 से हमारा विद्यालय चल रहा है उत्क्रमित होकर के, और अभी 2023 तक एक भी शिक्षक तक के जो हमारे शिक्षक हैं उन्हीं शिक्षकों के द्वारा वर्ग नवम दशम और इस बार से 11 भी हो गया है उसका वर्ग का संचालन किया जाता है। बहुत कठिनाई होती है खास करके सर, टीचर नहीं बढ़ाया जा रहा है जी? नहीं टीचर नहीं है सर, खास विभाग को हमने इसके पहले विभाग को भी लिख के दिया है लेकिन अभी तक हमें शिक्षक नहीं मिला है। बार बार जो भी पदाधिकारी आते हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाते कैसे? अभी वर्ग 1 से 8 तक के जो हमारे शिक्षक हैं, जो स्नातक स्तर के जो शिक्षक हैं और जिसमें अच्छी पोटेंशियल है, वो शिक्षक से हम सहयोग लेते हैं। बहुत मेहनत करके वो शिक्षक मदद कर रहे हैं और जिससे कि हमको बहुत मदद मिल रहा है, और मैं खुद वर्ग में जाके बच्चों के बीच पढ़ाता हूँ। हमारे विनय सर हैं और उर्दू में हमारी निशात फातिमा है जो कि भाषा से एमए है ऑलरेडी उर्दू से। कितने टीचर हैं हमारे यहाँ वर्ग 1 से 8 में? 849 बच्चे हमारे, 890 थे लेकिन 50 बच्चे जो नहीं आए उसका नाम कटा। 849 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित है और आज की उपस्थिति हमारा 670 है उपस्थिति, और शिक्षक हम लोग 15 शिक्षक यहाँ हम लोग कार्यरत हैं और हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं, जबकि हाई स्कूल में भी नामांकन 428 है हमारा और वहाँ भी बच्चे की उपस्थिति अच्छी है। उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं नहीं? एक भी नहीं है सर। पढ़ाई तो बाधित होती है, इसी शिक्षक से हम लोग उसका काम चला रहे हैं। खास करके कठिनाई तब हो जाती है जब बच्चे का फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उस समय हमको अतिरिक्त शिक्षक को रख करके जो है इस कार्य को संपादन किया जाता है। एक भी हमारे यहाँ नहीं क्लर्क हैं और कोई परिचारी भी हमारे यहाँ नहीं है। सुल्तानगंज प्रखंड के किशनपुर पंचायत एवं करहरिया पंचायत में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करहरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी गौरव कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद, करहरिया मुखिया पूनम कुमारी, सरपंच महेंद्र शर्मा, पंचायत समिति रूनी कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, सीओ अमित राज ने किया। कार्यक्रम में मुखिया पूनम कुमारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित अन्य पदाधिकारियों को बूके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी लाइव वीडियो एवं संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता कैसे ले इसकी जानकारी विस्तार से बताई। डीएम को 2 स्थानों पर जाना, इसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड के दूसरे स्थल पर आए हुए हैं। पहला किशनपुर पंचायत में था और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। विभाग के पदाधिकारियों ने भी अपने स्कीम्स के बारे में बताया है, एक वीडियो भी हम लोगों ने चलाया जिसमें सरकार की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सारी शिकायतों और सुझावों को हम लोगों ने नोट कर लिया है और जो जिला स्तर पर होगा उसका हम लोग यहाँ से निराकरण कराएंगे, जो मुख्यालय के स्तर पर विभाग के स्तर पर भेजना होगा उसको।
राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना में व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ दर्जनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि यह कोई जाति जनगणना नहीं, यह राजनीतिक जनगणना है, जिसमें कहीं से आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात नहीं आई थी, लेकिन जदयू के नेताओं ने इसे सार्वजनिक करके पूरे बिहार को जातीय अखाड़ा बना दिया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर जदयू आंख उठाकर देखती है तो उसे उसका जवाब दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इस जातीय जनगणना का पुरजोर विरोध किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है जातीय जनगणना के विरोध में, क्योंकि यह जातीय जनगणना नहीं, यह राजनीतिक जनगणना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आनन फानन में यह जातीय जनगणना रिपोर्ट शो किया है पूरे बिहार में, क्योंकि 2024 का चुनाव है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी का भी जातीय जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाए। और जदयू के जो नेता हैं नीरज कुमार जी ने जो ये रिपोर्ट आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जारी किया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ जदयू नेताओं को, आगे से अगर ऐसी बयान देते हैं तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में अगर बोलेंगे तो आंख से आंख मिलाकर फाड़ देंगे। आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना है राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत और मजबूती से हम लोग धरना दे रहे हैं और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहेगा। युवा लोक जनता दल नगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा भागलपुर।